जैतून टीवी बदले जिंदगी। हुजूर की खुशखबरी ये है, सुम्मा तकूनो खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा, फिर एक दौर आएगा खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा का। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की नवीद है, वह हुवा सादिकुल मसदूक, वो सच्चे हैं, उनकी सदाकत पर खुदा अल्लाह गवाह है। लिहाजा वो दौर आकर रहेगा, इसमें किसी भी बंदे मोमिन के लिए किसी शक को शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। अगली हदीस अगली सुनिए। अब जब ये दौर आएगा तो आलमी होगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं होगा, जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर होगा। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर NWO हकीकत में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है JWO, लेकिन इसी को बदलना है, जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ इस्लाम, और वो ग्लोबल होगा। दो हदीसों का तस्करा कर दूं। हजरत सौबान हुजूर के एक आजाद शुदा गुलाम थे, वो रिवायत करते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, ये सही है इनमें। फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन अल्लाह ज़वालिया अल-अर्द फराए तो मशारिकहा व मगारिबहा व इन उम्मती सयबलुगु मुल्कुहा मा ज़ुवि अली मिनहा रवाहु मुस्लिमुन रहमहुल्लाह। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मेरे लिए पूरी जमीन को लपेट दिया, यहां तक कि मैंने उसके सारे मशरिक देख लिए, सारे मगरिब देख लिए, और सुन लो मुझसे, टेक इट फ्रॉम मी, मेरी उम्मत की हुकूमत उन तमाम इलाकों पर कायम होकर रहेगी जो मुझे जमीन को लपेट कर और सुकेट कर दिखा दिए गए। ग्लोबल होगी कि नहीं। दूसरी हदीस सुनिए, यह फिर मुस्नद अहमद इब्न हंबल की है। हजरत मिक्दाद इब्न अस्वद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया, ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु वबरिन वला मदरिन इल्ला अदखलहु अल्लाहु कलिमतल इस्लाम बिइज़्ज़ अज़ीज़िन व ज़ुल्ल ज़लीलिन इम्मा युइज़्ज़ुहुम अल्लाह फयजअलूनहु फयजअलुहुम मिन अहलिहा औ युज़िल्लुहुम फयदूनूना लहा। यह है हदीस मुस्नद अहमद इब्न हंबल की। और हजरत मिक्दाद फरमाते, फिर मैंने कहा अच्छा, तब तो हो जाएगी वही बात, वह यकून दीन कुल्लहू लिल्लाह, दीन कुल का कुल अल्लाह के लिए हो जाएगा। हदीस का तर्जुमा यह है कि हुजूर ने फरमाया, रूए जमीन पर ना कोई ईंट गारे का बना हुआ घर रहेगा, ना कोई ऊंट के बालों के बने हुए कंबलों का खेमा रहेगा जिसमें अल्लाह ताला कलमा इस्लाम को दाखिल ना कर दे। लेकिन यह दाखिला दो तरीके से होगा, बेइज्जत अज़ीज़िन व ज़ुल्ल ज़लीलिन, या साहिब इज्जत के एजाज के साथ, या किसी मगलूब की मगलूबियत के साथ। यानी या तो अल्लाह ताला उनका एजाज फरमाएगा और वो कलमा इस्लाम के खुद कायल हो जाएंगे, जब घर वाला खेमे वाला इस्लाम ले आएगा तो इस्लाम उसके घर में दाखिल होगा, उसको भी इज्जत नसीब होगी। वलिल्लाहिल इज्जत व लिरसूल ही वलिल मोमिनीन, इज्जत तो हक है अल्लाह का, उसके रसूल का और अहले ईमान का। और अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करेगा तो योतुल जिजिया यदिम वहुम सागिरून, छोटे होकर रहना पड़ेगा, जिजिया देना होगा, इस्लाम की बालादस्ती कबूल करनी होगी। बताइए इसके बाद भी कोई शक है? ये है आसमानी नक्शा, ये अल्लाह फरमा रहे हैं, वल्लाहु मुतिम्म नूरही व या बल्लाहु इल्ला युतिम्म नूरहु लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। ये अल्लाह का फैसला है। उधर युरीदून लियुत्फिउ है, ये जमीनी नक्शा है। अब शक्ल क्या है? अब मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इन दोनों के माबैन जो खला नजर आ रहा है, कोई शख्स यकीन के साथ नहीं कह सकता कि अब हालात का क्या रुख होगा। इसलिए कि जाहिर बात है कुरान मजीद में मुस्तकबिल के बारे में खुद हुजूर से कहलवाया गया, वही नदरी अकरीब बईद मा तुअदून, लोगों मुझे मालूम नहीं है कि जिस बात की तुम्हें खबर दी जा रही है वो करीब आ चुका है या दूर है। वही नदरी लाल्लहु फितनतुल लकुम व मताउन इलाहीन, और मैं नहीं जानता, हो सकता है अल्लाह कुछ और मोहलत दे दे तुम्हें और कुछ और आजमाइश जो है उसके लिए तुम्हारे लिए कोई और मोहलत अता फरमा दे, हो सकता है। तो मैं भी किसी दावे से नहीं कह रहा, लेकिन दो इम्कानात हैं। इम्कान नंबर एक क्या है? अभी आलम इस्लाम का एक सॉलिड ब्लॉक है जो यहूदी वर्ल्ड ऑर्डर की निगाहों में खटक रहा है। मैं खटकता हूं दिले यजदा में कांटे की तरह, अगरचे उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, एक एक करके इनके हिस्से बखरे करके तिया पांचा करो। अभी वो ब्लॉक कौन सा है? ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है,
और रूसी तुर्किस्तान से आजाद होने वाली जो रियासतें हैं, ये एक सॉलिड ब्लॉक। ये आजमी मुसलमान है, अरबी नहीं, अरबी गए, ये नोट कर लीजिए। इसलिए कि अरबों को अल्लाह ने फजीलत दी थी, मोहम्मद उनमें से थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रुतबा बुलंद मिला जिनको मिल गया। लेकिन साथ ही अल्लाह ने धमकी भी दे दी थी सूरह मोहम्मद में, इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम पीठ दिखा दोगे उस मिशन को जो हमने तुम्हारे हवाले किया है, तुम्हें हटाएंगे, किसी और को ले आएंगे। और ये बात हो चुकी है 13वीं सदी ईस्वी में, 1258 में, जब सुकूत बगदाद हुआ है, अरबों के हाथ से आलम इस्लाम की क़यादत छीन ली गई, माजूर कर दिए गए। उसके बाद क़यादत किन के हाथों में आई? तुर्कों के हाथ में। तुर्कान तैमूरी हिंदुस्तान में, तुर्कान सफवी ईरान में, तुर्कान सलजूकी मिडल ईस्ट में, और तुर्कान उस्मानी का तो कहना ही क्या है, वो एशिया माइनर से चलकर, आपको मालूम है कि मशरकी यूरोप का कितना बड़ा इलाका, द ग्रेट ऑटोमान एम्पायर इस सदी के आगाज तक कायम थी। इस सदी में अजीब अजीब मौजे हुए हैं, ग्रेट ऑटोमान एम्पायर जो 3 बर्रे आजमों पर मोहित, नामो निशान खत्म। द ग्रेट USSR, नामो निशान खत्म। अब तो रूस साहब एक मुल्क की हैसियत से रह गए। ये इस सदी में दो दो, और वक्त नहीं है मैं और आपको क्या बताऊं, इस सदी में तो बड़े बड़े अजीब आजूबे हुए हैं, बड़ी बड़ी दो अजीम जंगें हो चुकी है, तीसरी जो है सर पर खड़ी है, दूर नहीं है, जिसको हदीस में कहा गया है अल मलहमतुल उज़्मा, तारीख इंसानी की अजीम तरीन जंग, और वही सलीबी जंग जिसका आगाज बोस्निया से हो चुका है। बहरहाल इस वक्त जो मैं कह रहा था, वरना मेरे पास तो यानी ये कि दर्द दिल कहने के लिए वक्त नहीं है, मुझे अपनी बात को महदूद करना पड़ रहा है, लेकिन मैं अब आ रहा हूं असल मौजू की तरफ कि एक इम्कान तो ये है कि इस ब्लॉक में इस्लाम का इहया हो, और इसके लिए कुछ नवीदे भी मौजूद हैं अहादीस नबविया में। वो तो आपने सुना होगा इकबाल का शेर, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। हदीस में आता है यखरुजु नासुम मिनल मशरिक युत्तेउन लिल महदी, यानी सुल्तान ही मशरिक से फौजें निकलेंगी कि जो कि महदी की हुकूमत कायम करेंगी। ये महदी अहले तशय्यों के महदी और हैं, हमारे महदी और हैं। अहले तशय्यों के अकीदे के मुताबिक उनके बाद में इमाम जो रूपोश हो गए थे वो इमाम महदी है, वो जाहिर हो जाएंगे, अभी इमाम गायब है फिर वो जाहिर हो जाएंगे। हमारे नजदीक ये महदी पैदा होंगे या हो चुके हो, और ये होंगे हजरत फातिमा की नस्ल ही से रजी अल्लाह ताला अन्हा, लेकिन आलम अरब के अंदर फिर एक ताकत बनकर उभरेंगे, बातिल की कुव्वतों के खिलाफ जिहाद करेंगे। लेकिन उनको मदद आएगी दो तरफ से, एक जमीनी मदद आएगी मशरिक से, एक आसमानी मदद आएगी ईसा इब्ने मरियम का नुजूल, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम जो जिंदा आसमान पर उठाए गए थे नाजिल होंगे। और दर हकीकत इन दो मददों के नतीजे में फिर यहूद का कला कमा होगा, और यही ग्रेटर इजराइल उनका ग्रेटर ग्रेवयार्ड बनकर रहेगा, अजीम तर कब्रिस्तान बनकर रहेगा। इसकी बड़ी वाज़ह हदीसें मौजूद हैं, इसकी बड़ी तफसीली खबरें मौजूद हैं, ये अहादीस की कुतुब के अंदर, बदकिस्मती से हमारी उसकी तरफ तवज्जो नहीं। एक तो ये हो सकता है, इसी तरीके से एक और हदीस है, यखरुजु मिन खुरासान रायात सूद, और ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, नोट कीजिएगा, नहीं तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, यखरुजु मिन खुरासान रायात सूद ला यरदुहा शयुन हत्ता तुनसब एलिया, और खुरासान हुजूर के जमाने में आज के अफगानिस्तान का नाम था। ये अफगानिस्तान में जो जिहाद हुआ है, गलतियां हुई हैं और गलतियों का खमियाजा भुगत रहे हैं, ये तो अल्लाह ताला की सुन्नत है, जिसमें अल्लाह ने सहाबा को भी एग्जम्प्ट नहीं किया, गलती की सजा दी है। 35 सहाबा की गलती गज़वे उहद में हुई, जहां से हुक्म था कि मत हटना, 50 में से 35 हट गए, नतीजा क्या निकला, फतह शिकस्त में बदल गई, 70 सहाबा शहीद हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ, मुसलमानों हमसे गिला नहीं कर सकते, हमने अपना वादा सच्चा कर दिखा दिया था जबकि तुम उन्हें गाजर मूली की तरह काट रहे थे, लेकिन जब तुम ढीले पड़ गए,
तुमने डिसिप्लिन को तोड़ा, तुमने इख्तलाफ किया तो सजा दिया। तो अगर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन खैरुन नास बादल अंबिया, पूरी नौ इंसानी के अंदर अंबिया के बाद बुलंद तरीन इंसान, अगर उनकी भी गलती का खमियाजा जो है अल्लाह ने चुखाया, क्यों चुखाया? जरूरी था आइंदा के लिए सबक हो जाए। ताकि तुम्हारे दिलों के अंदर का अगर कहीं कोई खोट है और पाक कर दे हम। इसलिए बहरहाल गलतियां हुई हैं अफगानिस्तान में, एक इमाम के साथ बैत नहीं थी, बल्कि बदकिस्मती और पढ़कर यह है बैत करके तोड़ दी। अब्दुल रसूल सयाफ साहब के हाथ पर हमारे पाकिस्तान के सातों ग्रुप जो थे, इन्होंने ऐन हरम में बैठकर बैत की और पाकिस्तान आकर बैत तोड़ दी। सजा उसकी मिल रही है, आपस की खाना जंगी यूं ही नहीं हो रही, कोई सबब है। लिहाजा ये सजा तो मिलेगी, लेकिन जितना खून यहां पर खुलूस के साथ दिया गया है उसकी मिकदार भी कम नहीं है। यहां से खैर बरामद होगा। और दूसरी बात अपने बारे में नोट कर लीजिए, ये पाकिस्तान, बचा खुचा पाकिस्तान, व्हाट रिमेन्स ऑफ पाकिस्तान, ये असल में है क्या? मौलाना बहुत खूबसूरत अंदाज में फरमा रहे थे, ये 313 नहीं थे, इस्लाम था। इसी तरह नोट कीजिए, पाकिस्तान नहीं है, चार सदियों की तजदीदी मसाई का हासिल है। आपने कभी नोट किया, खत्म नबूवत के बाद अब सबसे ऊंचा मनसब किसका है? मुजद्दीन। सुनन अबी दाऊद की रिवायत, इन अल्लाह यबअसु फी हाज़िहि अल-उम्मा अला रास कुल्ल मिय्यति आमिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। और नोट कीजिए कोई बात है, 1000 बरस तक सारे मुजद्दिद आलम अरब में पैदा हुए। जैसे ही दूसरा 1000 साल शुरू हुआ, अल्फ सानी का मुजद्दिद आजम शेख अहमद सरहंदी कहां था? सनम खाने हिंद में हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहत पर, वो खाक के है जेर फलक मतले अनवार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफसे गर्म से है गर्मी आरार वो। फिर 12वीं सदी का मुजद्दिद आजम इमामुल हिंद शाह वलीउल्लाह देहलवी, 13वीं सदी का मुजद्दिद आजम सैयद अहमद बरेलवी, उसके खून का अमीन और उसके साथ के शुहदा के खून का अमीन, उनके जिस्मों का अमीन आपका खित्ता हजारा, आपका खित्ता सवात, इसमें उनकी जाने हैं जो दी गई हैं। और वो निहायत में आज अर्ज कर दूं, दौरे साहबा के बाद इतना खालिस इस्लामी जिहाद पूरी मुसलमान तारीख में नहीं मिलेगा जितना वो तहरीक शहीदैन का था। 14वीं सदी हिजरी में शेखुल हिंद जैसा मुजाहिद आजम के अंग्रेज ने गिरफ्तार करके कैद भी किया है तो कहां? हिंदुस्तान में नहीं, कहां? जजीरा है साइरस, क्या नाम था? माल्टा, जजीरा माल्टा बहरा रूम में। इकबाल के नफस से है लाले की आग तेज, ऐसे गजल सरा को चमन से निकाल दो, कहीं हिंदुस्तान की किसी जेल में हुआ तो शायद इसके नफस की गर्मी ही से कोई हरारत पैदा हो जाए। और उसी सदी में 14वीं सदी हिजरी में इकबाल जैसा मुफक्किर, उसी 14वीं सदी हिजरी में मौदूदी जैसा मुसन्निफ, उसी 14वीं सदी हिजरी में मौलाना इलियास जैसा मुबल्लिग रहमहुमुल्लाह, असीम शख्सियतें आज पूरे आलम इस्लाम में आपको तबलीगी दोस्त मिलेंगे। ये कहां से शुरू हुई तहरीक? दिल्ली की एक छोटी सी मस्जिद से, वो मस्जिद बंगले वाली, अब तो बड़ी आलिशान हो गई है, जब वहां शुरू हुआ था काम बड़ी छोटी सी मस्जिद। ये सारे काम यहां क्यों हुए? पूरा आलम इस्लाम आजाद हुआ, कहीं नारा इस्लाम का नहीं लगा, कहीं अरब कौमियत पर, कहीं किसी और असबियत पर तहरीकें चली हैं, सिर्फ तहरीक पाकिस्तान थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई सबब है कि यहां करारदादे मकासिद पास हुई? हाकमियत अल्लाह की है कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। ये सारा माजी सामने रखिए और हुजूर की दी हुई पेशेन गोइयों का मुस्तकबिल सामने रखिए, इन दोनों से साबित होता है इस खित्ते अर्जी से कुछ होना है। अगरचे भटके हुए हैं लेकिन कभी भूली हुई मंजिल भी याद आती है राही को, और भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इसकी जरूरत है। मुसलमान को फिर उसका मकसद याद दिलाया जाए। पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया गया था कि हमारे यहां टाटे और बिरले नहीं थे तो हमारे पास उसके भी बाप वजूद में आ जाए, इसलिए तो नहीं बनाया गया था।
पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया गया था कि जागीरदारों की जागीरदारियां महफूज हो जाएं, पाकिस्तान इसलिए तो नहीं बनाया गया था। और यह कि नमाजें और मस्जिदें तामीर हो जाएं, मस्जिदें तो अमेरिका में तामीर हो रही हैं आलीशान से आलीशान, इसलिए पाकिस्तान नहीं बना था। आज भी मुसलमान, मैं माजत से अर्ज कर रहा हूं मौलाना से, आज भी भारतीय मुसलमान की एवरेज नमाजी होने के एतबार से पाकिस्तानी मुसलमान से कहीं बेहतर है। आज भी बुरका नजर आ जाएगा तो हिंदुस्तान में नजर आ जाएगा। मैंने अपनी आंखों से देखा चंद साल पहले जब मक्का मस्जिद हैदराबाद दक्कन में 3 दिन मुसलसल मेरी तकरीरें हुई हैं, 10,000 मर्द और 5,000 खवातीन, और उनमें से कोई बगैर बुरके के नहीं थी। एक सैलाब नजर आ रहा था बुरकों का कि जब जलसा खत्म हुआ है रात के 12 बजे 3 दिन तक मुतवाजिर। यहां कहां नजर आएगा बुरका आपको? यहां तो जिसके पास 2 पैसे हो गए उसने सबसे पहले बुरका उतार के फेंक दिया। मालूम अच्छी तरह समझ लीजिए, ये चीजें तो वहां ज्यादा है यहां की निस्बत। असल जरूरत थी कि यहां उस निजाम को कायम किया जाए, वो निजाम अदल इज्तिमाई, वो जिसमें हुर्रियत हो, जिसमें आम आदमी भी खलीफे वक्त को टोक सके। ये कुर्ता कैसे बन गया? एक खातून भी खड़ी होकर दामन पकड़ ले, उमर तुम्हें क्या हक है कि हमारे मेहर के ऊपर पाबंदी लगा रहे हो, जबकि अल्लाह ने नहीं लगाई। अल्लाह कुरान में किंतारा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, ढेरों सोना दे दे कोई शख्स अपनी बीवी को मेहर के अंदर, तलाक देते वक्त उसमें से कुछ नहीं ले सकता, आप कौन होते हैं हमारे हक के ऊपर पाबंदी लगाने वाले। और उमर ने कहा, आज एक बुढ़िया ने वो अब उमर को दीन सिखाया, ऑर्डिनेंस वापस। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला जो फातह ईरान थे, वो गवर्नर ऐसे ही नहीं बन गए थे रेवड़ियां बटी हो और गवर्नर ही मिल गई हो, वो तो खुद फातह थे ईरान के, इसलिए गवर्नर थे। सिर्फ एक पर्चा पहुंचा है बारगाह खिलाफत में हजरत उमर फारूक के पास, इंफॉर्मेशन आई साद ने अपने घर के बाहर देवड़ी बना ली है और एक दरबान खड़ा कर दिया है, हजरत बिलाल को भेजा है रुका देकर। और यह हुक्म था कि बिलाल पहले तो जाते ही देवड़ी में आग लगा देना, फिर यह रुका देना मेरा। और रुके में लिखा हुआ था, ऐ साद, लोगों को उनकी मां उन्हें आजाद जाना था, तुमने उन्हें अपना गुलाम कब से बना लिया है? ये दरबान खड़े कर दिया अपने आगे। वो हुर्रियत, वो मसावात कि जा रहा हो खलीफा वक्त और चार्ज लेने जा रहा है बैतुल मक़दिस का, कोई जाती इलाज के लिए नहीं जा रहा, सैर व सयाहत के लिए नहीं जा रहा, चार्ज लेने के लिए बिल्कुल सरकारी विजिट है, ऑफिशियल विजिट है, स्टेट विजिट है। और हाल क्या है? 700 मील का फासला तय करना और एक ऊंटनी, कोई एंटूरेज नहीं, कोई खदम व हशम नहीं, कोई जंबो जेट भरे हुए नहीं, कुछ नहीं, एक ऊंटनी एक खादिम। उस एक ऊंटनी पर चूंकि रास्ते का राशन भी है लिहाजा 2 आदमी नहीं बैठ सकते, एक बैठ सकता है। एक मंजिल खलीफा वक्त बैठा हुआ है ऊपर और खादिम नुकेल पकड़कर चल रहा है, अगली मंजिल खादिम ऊपर बैठा है और खलीफा वक्त उमर अब्दुल खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु और वो आगे आगे नुकेल पकड़कर चल रहे हैं। ये निजाम चाहिए आज नौ इंसानी को, इसके इंतजार में, इसकी तलाश में नौ इंसानी ने कितने तजर्बे कर लिए, कैसी छलांगें लगाई, मुलूकियत खत्म की, आसमान से गिरा खजूर में अटका, जमहूरियत आई नाम निहाद लेकिन वो सरमायादाराना निजाम बनकर आगे से बढ़कर लानत बन गई। पहले जागीरदार मुसल्लत था, अब सरमायादार और कारखानेदार मुसल्लत हो गया। उससे निकलने के लिए जोर लगाया, कम्युनिज्म की तरफ गए, छलांग लगाई, अब एक पार्टी डिक्टेटर बनकर बैठ गई। इंसान रुस्त यक बनता उस्ताद दर बंदे दिगर, एक चीज से गुलामी से निजात पाता है, दूसरी में फंस जाता है। और क्यों? कि वो निजाम अदल इज्तिमाई जो मोहम्मद अरबी को देकर भेजा गया था, उसके कस्टोडियंस सोए हुए, उसके कस्टोडियंस को अंदाजा ही नहीं। ये नुस्खा तो हमारे पास था, हमें अमल करना था और दुनिया के सामने पेश करना था। पाकिस्तान बनाया इसलिए गया था कि हम उसका एक नमूना दुनिया के सामने पेश करेंगे। कायदे आजम ने फरमाया था कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की सूरत में एहद हाजिर में इस्लाम के उसूल हुर्रियत व अखुवत मुसावात का एक नमूना कायम करके दिखाएं। कहां है वो? भटक गए, सो गए। बहरहाल अब भी वक्त है, जब तक सांस तब तक आस। मेरे अजीज ने तो डराया है और सही डराया है। अल्लाह ताला ने 25 बरस इंतजार किया था, पहले अजाब का कोड़ा फिर मारा हमारी पीठ पर। वलनुज़ीकन्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर,
बड़े अजाब से पहले छोटा अजाब का मजा चखाएंगे, लअल्लहुम यरजिऊन, शायद के लौट आए। वो हमसे 1000 मील के फासले पर हुआ था, अगरचे 93,000 हमारा गड़ियल जवान, जिनमें गालिबन 43,000 फौजी, और ये कि तकरीबन इतनी तादाद में जो गैर फौजी थे, वो उस हिंदू के गुलाम बने, कैदी बने, जिन पर 800 बरस तक, कहीं 600 बरस तक, कहीं 1000 बरस तक हुकूमत की थी। इतनी बड़ी शिकस्त का कलंक का टीका हमारी पीठ पर पड़ा। पहले अजाब का कोड़ा आ गया था, 25 बरस हो गए थे, कमरी हिसाब से नोट कर लीजिए, ये ना समझिए 24 बरस हुए थे, 24 बरस कमरी हिसाब से 25 बरस थे। और अब नोट कर लीजिए, अगले 25 बरस के पूरे होने में अगले रमजान की 27 तारीख तक सिर्फ मोहलत है, निस्सदी पूरी हुआ चाहती है। कोई अजब नहीं उस अजाबुल अदना के बाद हम जागे नहीं, होश में नहीं आए, कोई अजब नहीं कि बड़े अजाब का कोड़ा हमारी पीठों पर बरस जाए। लेकिन मुझे यह यकीन है, नोट कर लीजिए, अगर यह दूसरा इम्कान हो गया, खुदा ना खास्ता अल्लाह के अजाब का कोड़ा हमारी पीठ पर बरसा, मुझे यकीन है अल्लाह हिंदुओं को मुसलमान बनने की तौफीक देगा, लेकिन इस्लाम का बोलबाला इसी खित्ते से होगा। तारीख में यह हो चुका है, है आया फितने तातार के अफसाने से, पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से, तातारियों के हाथों करोड़ों मुसलमान कत्ल हुए, लेकिन इस्लाम ने तातारियों को फतह कर लिया, और फिर इस्लाम का मुसलमानों का दूसरा दौरे उरूज उन्हीं तातारियों की मुख्तलिफ शाखों के तहत हुआ। वो तातारी ही तो थे, वो सारे होर्स टर्किश होर्स, तुर्कान तैमूरी, तुर्कान सबवी, तुर्कान सलजूकी, तुर्कान उस्मानी, वही तो स्टॉक तो वही है। आया फितने तातार के अफसाने से, पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया मशरिक से होगा, यहां से फौजें चलेंगी, तो कोई अजब नहीं। बहरहाल ये दो इम्कानात हैं, लेकिन इसका फैसला तेरा, तेरे हाथों में है, दिल या बदन, सीधी सीधी बात। अगर तो अब भी हम ठीक हो जाए, जाग जाए, होश में आ जाए, कौम यूनुस की तरह तौबा कर ले, तो बगैर अजाब के कोड़े के रहमत खुदावंदी हम पर साया करेगी। अगर हम ना जागे तो वो अजाब का कोड़ा आएगा। ये नहीं मैं कह सकता, इन अदरिया करीब बाइदू मातू अदून, ये मैं नहीं कह सकता, यकीन के साथ जानता हूं कि आएगा, लेकिन ये कि उसके बाद भी यहीं से बोलबाला होगा, अगर हमारे जरिए नहीं तो उनके जरिए से, जो हमें शिकस्त देकर फिर इस्लाम कबूल कर लेंगे। लेकिन क्यों ना पहले ही रास्ते पर चलने की कोशिश करें।